स्वामी जी, मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री देवेंद्र शर्मा जी, अजय भाई, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, स्वामी जी का जैसा निर्देश है, मैं आपसे 15 मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूं, कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, ये बात हमें आजादी के 60 साल के बाद कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये बात तो लोकमान्य तिलक आजादी के पहले कहा करते थे। लोकमान्य तिलक सन 1905 में यही बात पर जगह जगह वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम्स किया करते थे, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। 1905 से 1911 तक सैकड़ों बार उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा आयोजित की है। इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के बहुत बड़े क्रांतिवीर अरविंदो घोष स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। हमारे देश के आजादी के एक बहुत बड़े नायक महात्मा गांधी आजादी के पूरे समय में, माने आजादी के आंदोलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे। अब आजादी के 60 साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हमारी तकलीफ है? हमारा दुख क्या है? हमारा दर्द क्या है? हमारी पीड़ा क्या है? क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी, लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी, विपिन चंद्र पाल को कहनी पड़ी, लोकमान्य तिलक को कहनी पड़ी, वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है? अब तो आजादी आ गई है, अब तो अंग्रेज चले गए हैं, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है इस देश में। तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, इसलिए हम स्वदेशी की बात करते थे। अब आजादी के 60 साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है? ये गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया, स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है? ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको। गांधी जी के शब्द हैं ये, संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि वो वायसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो, तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर, संवार कर, धोकर और पोंछ कर रखता। हमने रखा हुआ है, हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा को पूरा, जिसको इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहा जाता है, उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं। आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है,
बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। इसलिए हमको आज भारत स्वाभिमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद। मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया। उनमें से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये एक ग्रुप के देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दूसरे ग्रुप के देश हैं। मॉरिशस है, श्रीलंका, ये तीसरे ग्रुप के देश हैं। ये ग्रुपिंग किस तरह की है, अंग्रेजों ने तीन तरह के देश गुलाम बना के रखे थे। एक देश को अंग्रेज कहा करते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज में ये था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनकी कैटेगरी थी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज, माने वो देश कुछ कुछ अपने हित के कानून खुद भी बना सकते थे, लेकिन ज्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश थे जिनको क्राउन कॉलोनीज कहा जाता था उस जमाने में। क्राउन कॉलोनीज में श्रीलंका था, मॉरिशस था, ये सूरीनाम वगैरह ये देश थे। और तीसरा था डिपेंडिंग कॉलोनीज, उनमें भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह थे। डिपेंडिंग कॉलोनीज सबसे खराब गुलामी का ढांचा था, सबसे खराब गुलामी का। उसमें क्या होता था कि आपको अपने हाथों, अपने देश के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है, सब कुछ अंग्रेजों के पास है, आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट हैं। तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए, क्योंकि हमारे यहां गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए घुस गई, एक राजा था जहांगीर, उसने आगा न देखा न पीछा, लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का, जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं, थोड़े से पूंजी के लालच में कि विदेशी पूंजी आएगी, थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए, आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए, फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, हजारों हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी, पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर, बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं। आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे, हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हरेक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो, अब उनको बुला रहे हैं वापस आओ। 1942 में महात्मा गांधी का नारा था इस देश में, क्रांतिकारियों का नारा था क्विट इंडिया, छोड़ो भारत।
अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नारा है नीट इंडिया, वापस आओ KNIT, फिर जुड़ जाओ हमारे देश से। तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है, क्योंकि मैंने पहले ही